नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद चैनल राणा वर्ल्ड पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोजगार से जुड़ी ही नई नई खबरें। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए वैकेंसीज लेकर आया हूं डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जो कि एक भारत सरकार की यूनिट है जो अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको बताऊं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं पहली बार तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकॉन है जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसे देख सकें। दोस्तों, आप जो आई बटन में वैकेंसी फ्लैश हो रही है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लास्ट डेट अभी नहीं निकली है। हो सकता है ये आपके आपके किसी फ्रेंड के काम की हो, उनके काम आ सके, तो आप इन्हें भी एक बार इन पर नजर जरूर डाल लीजिए। हर आधे मिनट में एक वैकेंसी ऊपर फ्लैश होगी। तो दोस्तों, ज्यादा देर ना करते हैं, इन वैकेंसीज के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, इन्होंने डीडीए ने वैकेंसीज निकाली है इंजीनियर्स की। ये देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। तो टोटल 23 वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप 9 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, शाम 5 बजे तक, ये लास्ट डेट मैंने अभी हाईलाइट की है। और आपने 9 मई तक अप्लाई करने के बाद 12 मई तक आप इसकी फीस वगैरह ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इनका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देख लीजिए वैकेंसीज का। सबसे पहले है एईई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लेवल 10 में आएगा। एक मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स है, 30 साल, आपने डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में की हुई हो। और इसके टोटल दोस्तों 20 वैकेंसी हैं, जिसमें से 11 अनरिजर्व है, 3 एससी की है, 1 एसटी की है और 5 ओबीसी की है, जिसमें से 1 हैंडीकैप के लिए रिजर्व है। नेक्स्ट है दोस्तों, वही एईई असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, ये भी लेवल 10, एज ग्रुप वही है, मैक्सिमम 30 साल, डिग्री होनी चाहिए आपके पास बीटेक की इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, या फिर इसके कोई इक्विवेलेंट हो। इसकी टोटल 3 वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें से 2 अनरिजर्व है और 1 ओबीसी के लिए है। तो आप इसमें मैक्सिमम एज देख लीजिए 30 साल, और रिलैक्सेशन वही है जो कि गवर्नमेंट जॉब में होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल। यहाँ इन्होंने कंसेशन रिजर्वेशन यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, ये देखिए एज रिलैक्सेशन ये, और जो भी दिव्यांग है उनके लिए 10 साल का होता है। अगर वो किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो अपना रिजर्वेशन वाला भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो वो इसका रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाएगा। और एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों, इसमें इन्होंने गेट स्कोर मांगा हुआ है, गेट 2019 का। अगर आपने वो गेट 2019 क्लियर किया हुआ है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने गेट स्कोर मांगा हुआ। इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, आपके गेट स्कोर के अकॉर्डिंग ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। और एप्लीकेशन फीस दोस्तों केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है ₹500, और जितनी भी फीमेल्स हैं वो किसी भी कैटेगरी से हों, या फिर कोई एससी एसटी या फिर ओबीसी या फिर दिव्यांग, वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनके लिए कोई भी फीस की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है, द कैंडिडेट हु आर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन अबव अपीयर्ड क्वालिफाइड द गेट 2019 एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड विद डीडीए फॉर रिक्रूटमेंट टू द अबव पोस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर गेट स्कोर। तो 85% आपको गेट स्कोर का वेटेज मिलेगा और 15% इंटरव्यू का। दोस्तों, आई होप मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों के काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कराएं। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।